लक्ष्मण को श्री दशरथ महाराज को बोले आप ये दो बच्चों को दो, ये दो बच्चों को लेकर के हम यज्ञ जब करते हैं यज्ञ में राक्षस लोग बड़े उत्पात मचाते यज्ञ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें अपना बेटे को दो। कोई अपना बेटे को दे देगा? लेकिन अभी श्री पद्मावती और हराई पंडित बड़ी विपत्ति में पड़ी गई, बल्कि ये सन्यासी अपना बेटे को मांग रहे हैं। फिर उन्होंने याद किया जैसे श्री दशरथ महाराज का प्राण प्यारा राम लक्ष्मण होने पर भी उन्होंने बच्चे को दिया है, इसलिए उन चीज का स्मरण करते हुए नित्यानंद प्रभु कितने प्यारे हैं, लेकिन उनको मतलब बच्चे देना मतलब प्राण दे देना है, हाँ? लेकिन बड़ा कष्ट उनको हुआ। जब कष्ट हुआ वो जो लक्ष्मीपति तीर्थ थे उनको पास में एक मुरलीधर था, अभी वो विग्रह को दर्शन करेंगे, इतने बड़े गोपाल जी का मूर्ति है उसका नाम मुरलीधर, तो उनको पास में हर समय गले में जैसे हम उत्तरी है ना उसको अंदर में हर समय ठाकुर जी को अपना गले में झुला करके हर जगह में दर्शन करते जाते थे, इसलिए तब उन्होंने अपना मुरलीधर को निकाल करके उन्होंने दिया किसको? पद्मावती देवी हराई पंडित को। बोले देखो जब तुम्हारी बहुत ज्यादा विरह होएगा, जब ये मुरलीधर को आप दर्शन करोगे इसी विग्रह में आप साक्षात श्री नित्यानंद गुरु का दर्शन आपको प्राप्त होगा, इसलिए जब जब ये मुरलीधर को देखकर गए अभी जिस मंदिर में जाएंगे वहां पर देखेंगे अभी श्री मुरलीधर वहीं पर है, इसलिए श्री हराई पंडित हरिनाम भी भजन भी करते थे, लेकिन जब श्री नित्यानंद प्रभु को लेकर के चले गए इतने दुखी हुई, वो जो माला जप कर रहे थे ना उनसे और माला जप नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने माला को क्या किया, देखो जो वृक्ष है हा? इसका नाम माला तला, देखो जो पेड़ है कुछ लिखा हुआ देखा हा? देखो वहां पर ये इसका नाम माला तला, माला तला मतलब है वो माला को और उनसे जप नहीं कर पाए माला को, वो माला को नित्यानंद प्रभु का विरह में ये वृक्ष को ऊपर में ही माला को उन्होंने लटका करके रख दिया, बोले मेरे नित्यानंद प्रभु का विरह से मेरे से और माला जब नहीं हो पा रहा है विरह। अब आज सुन रहे थे ना रामचंद्र सीता को प्राण प्यार और त्याग दिया, ब्रजवासी को प्राण प्यार होने पर भी उन्होंने ब्रज को त्याग दिया, महाप्रभु प्राण प्यार होने पर विष्णु प्रिया को त्याग दिया, और इनकी अत्यंत प्राण प्यार से नित्यानंद प्रभु होने पर भी हराई पंडित उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिया, क्यों? केवल वो विरह रस को आस्वादन करने के लिए, ऊपर में तो विरह है लेकिन अंदर में चिंतन में एकदम डूब जाते हैं, लेकिन लगता है जैसे दूर हो गए। तो गुरुदेव एक सुंदर उदाहरण देते थे, वो विरह कितना प्यारा है, उदाहरण देते थे जैसे यहाँ पर आज रामलीला हुई, रामलीला में दिखाया कैसे राम लक्ष्मण वनवास जा रहे हैं, संपूर्ण अयोध्या वासी राम विरह में इतने दुखी इतने पूरा रोते रहे, जब सीता माता थी पाताल प्रवेश करती है उस समय विरह में इतने सुंदर पैथेटिक सीन दिखाए, 4-5 घंटे तक रामलीला दिखाए, लेकिन जो देख रहे थे 4-5 घंटा तक रोए, उनको विरह में केवल रोए, लेकिन उनको पता चला आज इसी गांव से लीला आज दिखा रहे यही लीला पास गांव में होने वाले, देखना पूरा गांव के लोग फिर वहां जाएंगे, बोले भैया रोने के लिए फिर की जाएंगे, यहाँ पर तो 5-6 घंटा रोए क्या, उसमें तीर्थन फिर रोने के लिए गए, हाँ ऊपर से दिखता है जैसे रोए लेकिन हृदय में जो आनंद है हृदय में एक दिव्य आनंद है, इसलिए ऊपर से दिखता है जैसे रोए लेकिन अंदर में बड़ा आनंद है, इसलिए जैसे हम थोड़ा कृष्ण नाम लेकर के आंखों से आंसू थोड़ा बह आ जाए ना, देखना आंखों से थोड़ा कृष्ण नाम आए कितना हृदय को आनंद मिलता है, कितना हृदय को आनंद, इसलिए यहाँ पर भी से वही विरह रस को आस्वादन किया, यही से ही वो लक्ष्मीपत तीर्थ नित्यानंद प्रभु को लेकर बोले क्यों, बोले हम तो तीर्थ भ्रमण करना चाहते हैं, हमको बच्चे को लेकर तीर्थ भ्रमण करेंगे, इनको क्यों लेकर गई, कारण है जिस देश में इनकी श्री चरण पड़ेगा वो स्थली पवित्र हो जाएगा, इसलिए जब नित्यानंद प्रभु लेकर गए जब उन्हें श्री वृंदावन धाम में गए सारे मंदिर में देखा ठाकुर है नहीं, किसी मंदिर में ठाकुर नहीं, कई ठाकुर नहीं देखा, बोले भैया ये ठाकुर जी कहाँ चले गए, किसी मंदिर में कृष्ण नहीं, आकाशवाणी हुई अभी जो है कहते ब्रज का जो कन्हाई अभी श्री नदिया की निमाई बन करके जन्म हुए, इसलिए सारे मंदिर खाली है,
तुम नवद्वीप चले जाओ, फिर नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिलेगा। यही सही नित्यानंद प्रभु चले गए थे, ये अभिर्ण वृंदावन होने का नाते वृंदावन में जैसे यमुना, अभी हम जब जाएंगे अब वो नदी आएगा, बीच में नदी आएगी, जब उसको पार करेंगे ना वो यमुना है, वो यमुना नदी। वही से ही कृष्ण जैसे बंसी बैठक को नीचे से प्रकट हुए, कभी जो कौन सा राय, श्याम राय, बांके राय, कभी श्री बांके राय भी अभी हम जाएंगे, हाँ, वहाँ पर कदम खंडी, कदम खंडी मतलब सुंदर कदम का वृक्ष था, सुंदर वहाँ पर तमाल वृक्ष था, वही नदी से ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को स्वप्न दिया, मैं वहीं पर हूँ, और वहीं से उन्होंने श्री बांके राय कृष्ण को उन्होंने प्रकट किया, और लास्ट में उसी बांके राय में ही, हाँ, जैसे महाप्रभु श्री टोटा गोपीनाथ में अंतर ध्यान हुए, नित्यानंद प्रभु वो विष्णु तत्व है, इसलिए वो बांके राय में ही उन्होंने मिलित हो गए। अभी हम सब जाएंगे दर्शन करते करते, कहीं बैठेंगे नहीं सीधा, बहुत रात हो जाएगा, दर्शन करना और जितने जल्दी जल्दी होना हो जाए गाड़ी में बैठ जाना, क्योंकि हमको 5-6 घंटा पहले लग जाएगी। ठीक है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले सच्चिदानंदन गौर हरि की, पिता की गौर प्रेमानंद, सबके सब प्रणाम करो, यहाँ धूल लगाओ शरीर में, नित्यानंद प्रभु का ये क्रीड़ा।